हे गाइस इट्स मी अंश और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट ऑफ रियलमी 9 4G, रियलमी 9 Pro, पोको X4 Pro, iQOO Z6, सैमसंग गलेक्सी M33 एंड रेडमी नोट 11 Pro। देखने वाले हैं 6 के 6 डिवाइसेस में से सबसे ज़्यादा देर तक कौन सा डिवाइस स्टेन कर पाता है और कौन सा डिवाइस कितनी ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है इस टेस्ट के अंदर। यहाँ पे हम लोग सारे के सारे पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस को यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं BGMI को। BGMI मैंने सारे डिवाइसेस के अंदर रन कर दिया है और सब में आगे हमारा रियलमी 9 4G ही निकल के आता है, पता नहीं क्यों ऐसा। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे iQOO Z6, देन हमारे बाकी के डिवाइसेस आते हैं। तो सबके सब में हमारी जो BGMI है वो स्टार्ट हो चुकी है और BGMI स्टार्ट हो रही है और BGMI से हम लोग स्टार्ट करेंगे सारे के सारे डिवाइसेस के अंदर। सारे के सारे जो एप्लीकेशन है वो हम 2-2 घंटे तक चलाएंगे। सॉरी फॉर द एडिटिंग मिस्टेक, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे टाइमर ऐड नहीं कर पाया तो उसको स्किप कर देना और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लासिक मैच को। दो घंटे से ज़्यादा की BGMI रन हो चुकी है एंड हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ये निकल के आते हैं। यहाँ पे हमारे Redmi Note 11 Pro के अंदर 73% बैटरी रिमेनिंग है, Samsung Galaxy M33 के अंदर 81% बैटरी रिमेनिंग है, Realme 9 4G के अंदर 74%, Realme 9 Pro के अंदर 78% बैटरी रिमेन है एंड Poco X4 Pro के अंदर 71% बैटरी एंड iQOO Z6 के अंदर 72% बैटरी रिमेनिंग है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बैटरी रिमेनिंग है वो Samsung Galaxy M33 के अंदर है, देन Realme 9 Pro, ये दोनों डिवाइसेस हमें सबसे आगे देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट अभी तक चला और सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ भी हमारी Samsung Galaxy M33 प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम लोग यूज़ करने हैं YouTube Shorts को। We'll be right back.
दो घंटे का YouTube Shorts चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारा Redmi Note 11 Pro ने 50% बैटरी को ड्रेन कर चुका है। Samsung Galaxy M33 के अंदर हमारी 66% बैटरी रिमेनिंग है। Realme 9 4G के अंदर 61%, Realme 9 Pro के अंदर हमारी 56% बैटरी रिमेनिंग है और यहाँ पे हमारा Poco X4 Pro के अंदर 54% बैटरी रिमेन है एंड IQ Z6 के अंदर 57% बैटरी। यहाँ पे हमारा Realme 9 4G और हमारा Samsung Galaxy M33 काफ़ी ज़्यादा आगे देखने को मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बैटरी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी रीडिंग हो रही है सारे डिवाइसेस के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं MX टकाटक एप्लीकेशन को। अब यहाँ पे दो घंटे का MX टकाटक भी रन हो चुका है Redmi Note 11 Pro ने। 34% बैटरी रिमेनिंग है Samsung Galaxy M33 के अंदर, 48% बैटरी रिमेन है Realme 9 4G के अंदर, 44% बैटरी रिमेन है Realme 9 Pro के अंदर, 40% Poco X4 Pro के अंदर, 42% एंड यहाँ पे IQ Z6 के अंदर 38% बैटरी। तो इसी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारा Samsung Galaxy M33 काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। Realme 9 Pro और Realme 9 4G ये दोनों डिवाइसेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं मौज एप्लीकेशन को और देखते हैं इसमें कितनी ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती है। We'll be right back.
तो मौज एप्लीकेशन भी यहाँ पे मतलब अपना काम कर चुकी है। एंड यहाँ पे Redmi Note 11 Pro के अंदर 22% बैटरी रिमेन है, M33 के अंदर 33% बैटरी रिमेनिंग है, Realme 9 4G के अंदर 26% बैटरी है, Realme 9 Pro के अंदर 22%, Poco X4 Pro के अंदर 27% एंड IQ Z6 के अंदर 22% बैटरी रिमेनिंग है। तो सारे डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा Samsung Galaxy M33 सबसे आगे देखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटरी है ना, तो सारे डिवाइसेस में से हमारा Samsung Galaxy M33 आगे है और Realme 9 4G का भी वही हाल है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं Instagram Reels को। तो Instagram Reels का सेशन भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। Samsung Galaxy M33 अभी भी 13% बैटरी रिमेनिंग है इसके अंदर और Redmi Note 11 Pro इसके अंदर हमारी 9% बैटरी है, Realme 9 4G के अंदर 8%, Realme 9 Pro ऑलमोस्ट ड्रेन होने वाला है, Realme 9 Pro के अंदर 4% बैटरी बची, Poco X4 Pro 8% के साथ है, IQ Z6 6% के साथ है। अब सारे के सारे डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, हमने सारी एप्लीकेशंस को रन भी कर लिया है। अब हम लोग Instagram Reels को वंस अगेन रन करते हैं और देखते हैं इसमें हमारा ऑलमोस्ट कितनी ज़्यादा बैटरी, कौन सी डिवाइस कितनी देर में ड्रेन आउट हो जाता है। पहले हमारा Realme 9 Pro ड्रेन आउट हो चुका है 10 आवर्स एंड 21 मिनट्स के अंदर एंड काफ़ी ज़्यादा इसने अच्छा बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करा है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा डिवाइस ड्रेन आउट होता है, तो ये IQ Z6 10 आवर्स एंड 32 मिनट्स के अंदर ड्रेन आउट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ड्रेन आउट होता है, तो इसके मेरे हिसाब से अब यहाँ पे शायद से Redmi Note 11 Pro होना चाहिए। देखते हैं कौन सा डिवाइस ड्रेन आउट होता है यहाँ पे, तो Realme 9 4G भी हो चुका है 10 आवर्स एंड 54 मिनट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी बैटरी प्रोवाइड करी है, Poco X4 Pro 10 आवर्स एंड 58 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सी आपको इसने प्रोवाइड करी है बैटरी, Redmi Note 11 Pro 11 आवर्स एंड 5 मिनट्स चल गया यार, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और Samsung Galaxy M33 हमारा 11 आवर्स एंड 9 मिनट चला। तो यस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन सारे डिवाइसेस ने अपनी बैटरी बैकअप को प्रोवाइड करा। एंड में हमारा जो विनर है वो निकल के आता है Samsung Galaxy M33 जो 11 आवर्स एंड 9 मिनट्स चल गया। अब ये सारे डिवाइसेस की जो बैटरी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, आपको थोड़ा हल्का फुल्का सा बैटरी का परसेंटेज का चेंजेस देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से आपको कुछ इस टाइप का रिजल्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो रिजल्ट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा निकल के आया। आई होप आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय एंड सी यू ऑल गाइस इन वेरी नेक्स्ट वीडियो।